2 रुपया में डेली काम करते थे होटल में। 2 रुपया? हाँ 2 रुपया डेली। क्या भैया बॉयल नहीं हुआ क्या अभी तक? देर कितना रेट लगेगा? तो पोछ खिला दीजिएगा तो उसे खिला दीजिए तब तक हो जाएगा तो ठीक है। फिर भी लेटेस्ट आया थे कि हो गया होगा जान रखे 4 बजे बाजार सबके दिमाग नहीं ना है बाजार चल गया थोड़ा माल ले। अभी कैसे खिला रहे हैं? फ्राई खाने आए थे मगर फ्राई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। टाइम थोड़ा लगेगा सर। ये वही अंकल है जिनका 55 लाख व्यू गया गाइस। तो उनके दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं होता है बहुत ही रेयर केस। उनका लोकेशन देख सकते हैं आपका पोच बनाने वाला वीडियो डाले थे वो 55 लाख पब्लिक दे रहा है मतलब 55 लाख देख लिया कम है। अब बहुत पब्लिक ही बोला ना आपको छीन रहा था तो बोला कि तो उनका है तुम लोग। हाँ हाँ उन्हीं का है। बहुत बात समझ गया यार। कमेंट भी आया कि तो उनका दुकान है भैया का। हाँ बोले कि हाँ मैंने पकड़ लिया। समझिए ऑल इंडिया से पूरा कजरी से आता है इन लोग यहाँ। हाँ कजरी मोड़ समझ जाइए वहाँ से आते हैं फ्राई। कहते हैं कि उन्हें भी मिलता है बाकी ऐसा जो बनाते हैं उनके देखिए सब ओरिजिनल मसाला लेते हैं। तीनों मसाला से बाजार से लाए हैं देखिए 90 रुपये वो सामान में सब लाते हैं घर में। वहाँ खड़ा मसाला लिए 90 रुपया खाली मसाला वही ना पाँच लेता है जी सर। यही इनका दुकान है गाइस ले सकते हैं। इनका वीडियो को सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मतलब ऑल इंडिया देखा आपका वीडियो कमेंट आया कि मतलब बहुत अच्छा अच्छा कि कहाँ पे इनका मतलब शॉप है। कहाँ बोले कि हम तो झारखंड में खैर है छोड़ दीजिए निकाल लेंगे हम। सोच के आया था फ्राई खाने पर अब इसलिए कोई बात नहीं है अगला बार आपके पास सेवा में लगा हुआ है। एक सामान घर जाता है ना तो लगता है कि अधूरा उधर। हाँ बेकार ऐसा ना हमको अच्छा लगा मतलब आप ही का वीडियो है ना ये उतना पब्लिक देखा है मतलब अच्छा लगा थोड़ा सा कि हाँ चलो बनाने का तरीका होना चाहिए। बहुत दिन होटल में खाते हैं। हाँ पंजाब होटल पिंटू होटल यही सब में काम करते थे पहले। और इसको खोले हुए कितना दिन हो गया आपका? ये खुलना बहुत दिन हो गया मैंने करीब 30 बरस हो गया। 2 रुपया में डेली काम करते थे होटल में। 2 रुपया? हाँ 2 रुपया डेली। 2 रुपया से हुआ 3 रुपया 3 रुपया से हुआ 5 रुपया 5 रुपया से तब आए सेलवेनी पर। सेलवेनी से हुआ हेल्थरी में। हेल्थरी से कारीगरी के पास कारीगर के पास गया मतलब बहुत पहले नंबर जैसे कि
प्लेटमैन होना पड़ता है पहले, इस सब जगह से जितना प्लेट उठाना पड़ता है स्टार्टिंग में ना। स्टार्टिंग में जो है कि आप गिलास प्लेट होइए, ये सब पहले दिखाइए माल के कैसा काम कर रहे हैं। जितना दिमाग दौड़ाइएगा अपने से खाली दिमाग दौड़ाना है बस, मतलब उस टाइम से कमा रहे हैं जब 2 रुपया, मतलब 2 रुपया से लेकर बस अंकल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए बस। हाँ आपका देखते हैं सुबह लिट्टी का दुकान खुलता है जी सर, खुलते हैं फ्राई लिट्टी और सादा लिट्टी। अंकल पास ग्राहक कम आते हैं पर आते हैं बहुत दूर दूर से। लिटिया वाला अभी 2 महीना खोले हुआ है सर, अभी पूरा नहीं ना जान रहा है। हाँ आपका अंडा ही जान रहा होगा। हाँ अंडा वाला तो फेमस हो गया, मैंने 7 साल होने जा रहा, 2022 हो गया ना। हाँ 7 साल हो गया है, जो 7 साल दुकान का हो गया आपका। हाँ, यहाँ पे इससे पहले रहते थे शिवाजी के फील्ड में नदी किनारे गिरवर स्कूल। अच्छा हाँ वही होटल में चाना बेचते थे, केवल चाना। हाँ गर्मी के दिन में केवल सतुआ और दो ही आइटम बस, जाना सतुआ। आपका मकान कहाँ है? मकान पटेल नगर में सर। अच्छा पटेल नगर ना, ये छोटी सी शॉप है भाई साहब। ऐसे तो दुकानदारों को सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, मतलब मान गए आपको, आपसे बात करने के लिए बहुत पहले ही खोज रहे थे। फिर हल्का सोस मार दीजिए बस, यही तो है। धन्यवाद। तो गाइस आइए कभी यहाँ पे ट्राई कीजिए, इनका बहुत फ्राई अंडा और सुबह क्वालिटी मिलता है इनके पास। बस 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 हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गाइस। ऐसे दुकानदारों को जरूर खाइए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।